अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और मेरे साथ अवेस। तो अवेस, आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए? यार ये मुझे बताना नहीं था, ये बात ज़रा कॉम्बिनेशन, लेकिन मुझे बताना पड़ जाएगा। ठीक है, मकसद यार यहाँ पर ये लाने का है कि मैंने देखा है पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि जगह क्रिकेट ग्राउंड तो मुझे नहीं लगता। अब मसला ये है कि मैंने ये देखा कि यार यहाँ पर एक वीडियो होनी चाहिए, क्यों यंगस्टर के पास ग्राउंड नहीं है? हमने भी क्रिकेट खेली है यार, अभी आप जानते हैं बिल्कुल, और बड़े तरस तरह से रोड क्रॉस कर करके किस तरह अपनी जान में खेल के हम ग्राउंड जाते थे। तो वजह ये एक्चुअली हमें इस वीडियो को शूट करने का मकसद ये है कि लोगों से उनसे फीडबैक लेंगे कि वो क्या यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए, क्या उन्हें ग्राउंड की स्टडीज में अवेलेबल नहीं है और वजह क्या है, खेल के आए उनसे पूछते हैं। अभी हमारे साथ दूसरे हमारे दोस्त मौजूद हैं, क्या नाम है? फरहान नाम है। फरहान भाई आप क्या देखते हैं? मुझे ग्राउंड तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? सर हम लोग शाह फैसल ग्रीन टाउन एरिया से हैं, सारे इसी अराउंड में, तो यहाँ पर आज तक हमें कोई ग्राउंड तो मुयसर हुआ नहीं। ये सीए की एक जगह, एक पार्किंग है बेसिकली, तो हम लोग यहाँ काफ़ी अरसे से खेल रहे थे। रिसेंट ये अभी समझे एक महीना हुआ खेलने की इजाज़त दी है। अच्छा, हम लोगों का खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। अच्छा, इजाज़त लेनी पड़ी खेलने? इजाज़त लेनी पड़ी है और हम लोगों को बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है। कोई भी चेंज होती है यहाँ की, मैनेजमेंट चेंज होती है, वो आके बंद करवा देती है, तो हम लोग के पास ग्राउंड नहीं, हम सारे लड़के कहाँ जाके खेलेंगे गेम? अभी बड़ी तो मैंने बिल्कुल, मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रैफिक भी जा रही है आगे पीछे, अगर बॉल जाती है तो किस तरह लेकर? कोई इशू कुछ भी नहीं होता, बॉल आ जाती है इजीली। अच्छा। कोई इशू नहीं है, बाकी ग्राउंड नहीं है हम लोग के पास, हम क्या करें और कहाँ जाके खेलेंगे हम लड़के? बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह ये फरहान भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना ये है कि यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास और ग्राउंड्स की लैकिंग की वजह से यहाँ पर इन्हें इजाज़त लेके खेलना पड़ा है। और यकीनन अभी इजाज़त ये कब तक रहती है ये अल्लाह जाने और ये भाई जाने, अल्लाह करे कोई अच्छे सी कोई हमें ग्राउंड्स मिल जाए तो ये भाई का जो शिकवा है वो दूर हो। हाँ जी, हमारे साथ एक और तुम्हारे दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं, इनसे सवाल करते हैं कि इनके क्या फीडबैक है। क्या नाम है सर आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद शहीद अली। शहीद अली साहब, अभी क्या पढ़ते हैं आप? जी मैं इंटर में हूँ और मेरी क्लासेस चल रही हैं अभी। तो पढ़ाई तो अभी ऑफ हुई होगी तो यहाँ खेलने आए होंगे? जी। तो यहाँ पर तो ये पार्किंग एरिया में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर इजाज़त मिल जाती है खेलने की? बस इजाज़त मिलती है, लेकिन हमें ग्राउंड चाहिए, ये ग्राउंड हमारा नहीं है, ये पार्किंग एरिया है बस, ये सीए की जगह है। अच्छा, बस हमें इजाजत मिली, इजाजत मिल गई है, हल्की फुल्की, नहीं पक्की वाली नहीं, हल्की फुल्की, तो बस आ जाते हैं। कब तक रहेगी इजाजत कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ भी सकती है। हाँ। तो ग्राउंड यहाँ पर इस एरिया में करीब करीब है? नहीं 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 है, हमें चाहिए यार, ये तो बड़ा मसले की बात है। ये तो हम भी देखें, इन शहीद भाई की बात ये कहने की कि ग्राउंड नहीं है, मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने के लिए सऊदाबाद के ग्राउंड जाना पड़ता था, वहाँ जाके हम क्रिकेट खेलते थे और फिर वहाँ पर भी एंट्री फीस देकर खेल के आते थे। कोई ऐसे ग्राउंड होने चाहिए जहाँ पर लोग फ्री खेलें और अपने आप को यहाँ पर एक टैलेंट यहीं से निकलता है, गलियों से निकलता है, टैलेंट आपको जो है ना ड्राइंग रूम में नहीं निकलेगा, टैलेंट गली से निकलेगा। तो ये भाई का ये कहना था कि यहाँ पर इजाज़त जब तक मिली है तब तक खेल रहे हैं। तो हाँ जी, हमारे साथ एक दोस्त हमारे और मौजूद हैं यहाँ पर जो यहाँ पर भी खेलने आए हैं। सर आपका क्या नाम है? माज। माज भाई क्या करते हैं? बॉलिंग करता हूँ, ऐसा सिटी का। अच्छा, बॉलिंग करते हैं और फील्डिंग कर रहे हैं? हाँ, अभी तो फील्डिंग। अच्छा, फील्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अभी स्टडी वगैरह अभी तो वैसे बंद हुआ, वो सब कुछ यूनिवर्सिटी बंद हुई, ऑनलाइन है ना, वो तो बंद मतलब ना होने के बराबर ही होगा, और घर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं तो यहाँ खेलना है। तो यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पर खेल रहे हैं तो कोई मसला नहीं खेलने वाले में? यहाँ पर पार्किंग में वैसे काफ़ी मतलब ग्राउंड बहुत छोटा है, लड़के काफी नहीं, ग्राउंड तो ये है ही नहीं ना, ये तो पार्किंग एरिया है, वही पार्किंग एरिया, कुछ लोग वेटिंग एरिया कह सकते हैं, लेकिन हमें खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। सामने उधर वो सीए कॉलोनी है, वहाँ पे भी खेलने नहीं देते, सीए वाले बोलते हैं कि आप लोग पहले अपना परमिशन लेटर लेके आएं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ गार्ड बोलते हैं कि भाई 5 बजे के बाद आपका खेलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मजबूरी यानी कि ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, कमी है, ग्राउंड नहीं है हमें। देखिए बिल्कुल, ये सीए वालों की तो बात नाजी मैं आपको बताना चाहूँ कि सीए वालों की ये जगह है तो ये बिल्कुल इनकी अथॉरिटी है, ये उनकी मेहरबानी की उन्होंने इजाज़त दी हुई हमें खेलने के लिए और यहाँ पर थोड़े यंगस्टर्स इन्जॉय करने आ जाते हैं। तो हमें सीए से कुछ शिकायत नहीं है, हमें ये शिकायत है गवर्नमेंट से कि वो एक ग्राउंड हमें हर स्टडी में एक दे कि ये जो हमारे लड़के हैं और जो यंगस्टर्स हैं अपना टैलेंट जो है ग्राउंड में दिखा सकें, क्योंकि टैलेंट जो है ना वो गलियों से निकलता है और ग्राउंड से निकलता है। तो यहाँ पर आगे पार्किंग एरिया में खेलना और एक तरह से जान का बड़ा रिस्क भी है। पीछे मेरे अली दिखाएंगे कि एक रोड भी है जो गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, तो कभी बॉल चले जाती है, हिट लग जाती है, शॉट्स लग जाते हैं, तो बॉल भी लेकर आना ये भी एक बहुत बड़ा फन है यहाँ के लोगों का, और ये लड़के जो है बड़े महारत से करते हैं। ऐसी सर ऐसी आप लोग जाते हैं लेकर आते हैं, तो कुछ कहेंगे, कुछ मैसेज देंगे कि ग्राउंड के हवाले से कुछ प्ले ग्राउंड? यही चाहते हैं कि हमें ग्राउंड बनाए हमारे लिए, सही है, हमें अच्छा सा ग्राउंड बना के दें, क्योंकि काफ़ी इलाकों में यानी कि अब नारे में दो तीन चीज़ें एक चीज़ ऐड हो गई है, एक रोटी कपड़ा और मकान के बाद एक ग्राउंड भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए बेशक। जी अस्सलाम वालेकुम।
मोहाली। आपका नाम क्या है? नूर खट्टर जी। आप यहाँ पे फुटबॉल खेलने आए हैं, तो आपके पास क्या यहाँ ग्राउंड अवेलेबल नहीं है आपकी सोसाइटी में? नहीं, ग्राउंड की काफ़ी परेशानी है इस इलाके की। काफ़ी बच्चा है जो आप देख रहे हैं, ये जिस जगह हम खेल रहे हैं ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ अपनी मदद आपके तहत ये जगह हम लोगों ने बनाई है और खेल रहे हैं। तो आजकल कोरोने की जिस तरह सिचुएशन है और स्कूल बंद हैं और लड़के काफ़ी जो है ना तबाही की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, काफ़ी मरतबा हम इनको कह चुके हैं और आपकी तवसत से भी हम इनको बता रहे हैं कि जब किसी मुल्क में स्पोर्ट्स की कमी आ जाए तो वहाँ बहुत सी चीज़ें जो है ना नज़रअंदाज होती, तो हमें प्रॉपर एक ग्राउंड चाहिए और आपकी आजिश होगी कि आप हमारी ये बात करो। तो आपको जो है यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है खेलने के लिए या ऐसे ही आ? नहीं, अगर परमिशन की बात आ जाए तो वो तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये जगह जो है ना वो ऐसी है कि मैंने पहले बताया कि प्रॉपर कोई ग्राउंड नहीं है, तो हम अपनी मदद आपके तहत खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से अगर हमें बाकायदा एक ग्राउंड दे दें तो बहुत ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम वहीद मलिक। अच्छा जी, जी यहाँ पे फुटबॉल हो रही है, तो आपका जो है सोसाइटी में कोई ऐसे ग्राउंड नहीं है जो आप यहाँ खेलने आए हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? एक्चुअली बात ये है कि यहाँ कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, ठीक है, जितनी यंग जनरेशन है वो सब यहीं पे आ रही है, इस पूरे एरिया में गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन, पंजाब टाउन। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए ताकि ये यंग जनरेशन जितनी है वो गलत एक्टिविटीज से बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप खेलते हैं तो, ऐसा कुछ है या समटाइम्स? तो क्योंकि सिविल एविएशन की जगह, ठीक है, तो सिविल एविएशन वाले आ जाते समटाइम्स, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करके जो हम लोग खेलते रहते हैं, और तो कोई रीज़न नहीं है, गवर्नमेंट की जगह ही सिविल एविएशन के अंडर। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ तो व्यूवर्स, आपने देखा लोगों के कमेंट्स देखे और उनके सवाल हमने जो उनसे किए, उनके आपने जवाब भी देखे जो उन्होंने फीडबैक दी। तो अली, ये आपने कुछ और, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के यार? जी बिल्कुल, मैं जो हूँ वो फुटबॉल को देखने गया था और एक ही ग्राउंड है, एक ही जगह है और ग्राउंड। अच्छा, एक मजे की बात ये कि एक जगह है पार्किंग एरिया, वो क्रिकेट भी बन गया है, वो ग्राउंड भी बन गया है और वो आपका पार्किंग एरिया भी बन गया है, तीनों चीज़ें बन गई हैं। और माशाल्लाह जबरदस्त, हमारी आवाम की तो खूबसूरती है कि हर चीज़ में जो है ना वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, ढल जाते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने। तो अली, क्या आपने जो लोगों से सवाल किए फुटबॉल के हवाले से, क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई उन्हें मसले नहीं हो रहे फुटबॉल के हवाले से? काफ़ी लोगों ने सवाल किए और लोगों ने यही कहा है कि वो जो है अपनी मदद आप खेलने आए हैं और यहाँ पे जो है ना उनके पास कोई प्रॉपर ग्राउंड है, ना सोसाइटी में प्रॉपर ग्राउंड है और ना यार एटलीस्ट जो है ना, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वो भी हमारे माशा सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से ही है कि सोसाइटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अच्छा हॉस्पिटल, प्रॉपर हॉस्पिटल, प्रॉपर प्लेइंग ग्राउंड, प्रॉपर जिमनेजियम और प्रॉपर पार्क्स हों, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल लैकिंग ऑफ सोसाइटी, लैकिंग ऑफ आपके पास सर्विसेज हैं, लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज़ हैं आवाम के लिए। अब लोग क्या करेंगे, अब लोगों ने के पास उनके पास खेलने की चीज़ें नहीं है। अब जो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि जो टैलेंट होता है ना, जो गलियों से हमारे पास जितने भी हमारे जो हमारे लेजेंड्स मिले हमें जो भी हैं वो ऐसे ही मिले, गलियों से निकले हैं, तो इन चीज़ को ऊपर लाने की ज़रूरत है और ग्राउंड्स एटलीस्ट एक बनाया जाए ताकि एक ग्राउंड हो, एक सोसाइटी में ग्राउंड हो, उसमें आप भले पार्टीशन करते हैं, एक जगह फुटबॉल कर लें, एक जगह हॉकी कर लें, हॉकी को तो हम भूल गए हैं, हमारे एक नेशनल गेम है लेकिन उसको तो हम भूल चुके हैं। और मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ तो मुझे क्रिकेट खेलने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था ग्राउंड पे, हमारे भी एरिया में ग्राउंड अवेलेबल नहीं थे। तो बस मेरी गवर्नमेंट से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट ये है, हम्बली रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने जिस तरह लोगों ने यहाँ पर बताया कि उन्होंने इजाज़त ली है, अब देखें जाहिर सी बात है इजाज़त मिलती है कभी नहीं मिलती, बिल्कुल अली, इसकी वजह ये है कि देखो इजाज़त लेनी चाहिए, उसकी वजह ये है कि जगह ये उनकी मिल्कियत है, ये प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। अब उनका ये एहसान है, उन्होंने लोगों को खेलने के लिए जगह दी हुई है, अब हम उनसे भी कुछ नहीं कह सकते सिविल एविएशन वालों को कि आप उन्हें खेलने के लिए नहीं जाते, वो इनकी जगह है, उन्होंने खेलने की जगह दी है, तो उनकी एक मेहरबानी है कि उन्होंने हम लोगों को एक फैसिलिटेट होने के लिए एक मौका दिया है, तो हमें उनसे गिला नहीं है। हमें शिकवा तो सिर्फ उनसे है कि जो यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के जो लोग, यहाँ पर जो हमारे जो गवर्नमेंट का एक
कोटा सिस्टम होता है जो स्पोर्ट्स के हवाले से होता है, उस चीज़ को लाने के लिए एक एक सिस्टम, एक फंड्स में से एक हिस्सा निकालें कि ग्राउंड्स बनाए जाएँ, एटलीस्ट लोग ग्राउंड्स में खेल सकें, ग्राउंड्स भी प्रॉपर हों और प्रॉपर तरीके से वो अपने टैलेंट को अच्छे से पॉलिश कर सकें, वो चीज़ हमें बहुत ज़रूरत है। तो हमारे चैनल का और हमारे इस वीडियो का मकसद यही था, इस चैनल का मकसद ये है कि बहुत सी चीज़ों को लेकर आना, इस टॉपिक में कोई बात नहीं करता, इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है कि जिस तरह आज कोरोना भी है और लोग घरों के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, तो बाहर आते हैं तो उन्हें इस तरह की चीज़ों को का फेस करना पड़ता है। तो हमारे चैनल पिक टॉक्स को आप सब्सक्राइब करें और आप फीडबैक दें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के ज़रिए लोगों को और आगे ये चीज़ आपकी पहुँचा सकें। थैंक यू।